गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज जो हम लोग लेके आए हैं वो नवोदय विद्यालय समिति में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है जो क्लास सिक्स में एडमिशन के लिए होता है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके बारे में। सबसे पहले इसमें फ़ीस के बारे में बताया गया है कि 600 रुपीज़ फ़ीस ली जाती है ओनली क्लास 9 से 12 तक, उससे पहले कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। क्लास सिक्स में एडमिशन होता है, क्लास सिक्स 7 और 8 में कुछ फ़ीस नहीं ली जाती है, बट 9 से 12 तक 600 रुपये फ़ीस ली जाती है, जो भी जो कि एक विकास निधि होती है, डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे ली जाती है। बट SC ST और अदर वर्क्स के लिए, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट और जो BPL से बिलो हैं, उन लोगों के लिए छूट दी गई है। जो कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनसे 1500 रुपीज़ उनके पेरेंट्स से ली जाती है। देन इसका उद्देश्य क्या है ये बताया गया है, और बाद में टेबुलर फॉर्म में बताया जाएगी कितने विद्यालय हैं। 661 विद्यालय हैं पूरे नवोदय विद्यालय, और उसमें से 636 अभी वर्किंग स्टेज में है। एंड आप अपने स्टेट में देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट में कितने विद्यालय हैं। जैसे अगर आपको राजस्थान का देखना है तो राजस्थान में 33 प्लस 2 जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो है। इसके बाद बताया गया कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है जो समर वाले स्टेट्स हैं उनका एग्ज़ाम होगा 11 जनवरी 2020 को मॉर्निंग में 11:30 को। जो विंटर स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, मेघालय, ये सब का एग्ज़ाम होगा 11 अप्रैल को 11:30 को। दोनों की जो एग्जामिनेशन की जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2019 है। अब आवेदन कैसे करना है इसका प्रोसीजर बताया गया है कि आपको वेबसाइट पर जाना है navodaya.government.in में, और वहाँ जाके आप इसमें कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसीजर है ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। जो स्टूडेंट अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वे अपने प्रिंसिपल से अपना फॉरवर्ड करा के साइन करा के अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें अपलोड करना है, और इसका साइज़ जो होता है 10 से 100 KB के रूप में होना चाहिए, के साइज़ का होना चाहिए। इसके अलावा ये निःशुल्क है, कुछ चार्जेस नहीं लिया जाता है। आप किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, किसी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपने प्रिंसिपल से कराना है, फॉरवर्ड कराना है, प्रमाण पत्र, फ़ोटो लगानी है, और अपना मोबाइल नंबर भी देना है इसमें। प्रवेश पत्र जारी होगा, जो एडमिशन कार्ड जो निकलेगा आपका वो जनवरी 1 दिसंबर 2019 को आ जाएगा, जो फर्स्ट फेज़ के लिए है। सेकंड फेज़ जो समर विंटर के लिए है उसको 1 मार्च 2020 को आएगा। एंड उसका एग्ज़ामिनेशन का ये जो है एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट जो है प्रथम चरण और द्वितीय चरण का एग्ज़ाम मार्च 2020 में आ जाएगा, और सेकंड का मई 2020 में आएगा। इसके बाद इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चयन कैसे होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, ये जो छोटे जनरल दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन हैं, सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी जो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एक तो बर्थ डेट है कि इनका जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2007 से लेके 30/4/2011 के बीच में होना चाहिए, और स्टूडेंट जो होता है अभी क्लास 5 में स्टडी करना होना चाहिए, क्लास 5 में होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं कि आपको एक ही अटैम्प्ट देता है, सेकेंड अटैम्प्ट इसमें नहीं कर सकते, क्लास 5 के बाद एक ही अटैम्प्ट में करना है। लास्ट डेट इन्होंने दी है 15 सितंबर 2019। इनमें रिजर्वेशन है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो रूरल में जो स्कूल्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए 75% जो है सीट उनके लिए रिजर्व है, और बाकी 25% जो है अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों के स्टूडेंट्स के लिए है। जहाँ जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के
नवोदय विद्यालय में आपको एडमिशन मिलेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिल सकता है। ये बताया गया 75% रिजर्वेशन है। SC/ST का जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा 1/3 एक तिहाई जो है गर्ल्स के लिए दिया गया है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन है। इसके अलावा PW कैंडिडेट्स के लिए भी एज़ पर रूल्स इसमें रिजर्वेशन है, फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन है। और इसके बाद में दिया गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो आपको नवोदय विद्यालय का जो अलॉट होगा उसी में आपको लिखना है। एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें दिया गया है, मान लीजिए अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपका क्या मीडियम रहेगा इसमें आप देख लीजिए। राजस्थान वालों को इंग्लिश और हिंदी में आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन, बाकी स्टेट वाले अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न संरचना कैसी रहेगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, उनकी 40 मार्क्स रहेंगे, आर्थमेटिक रहेगा 20 और लैंग्वेज टेस्ट रहेगा उसके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ये इसके 100 मार्क्स टोटल रहेंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का टाइम टोटल दिया जाएगा। आंसर कैसे करना है, ये ऑप्टिकल मेथड जो होता है नॉर्मली उसी हिसाब से करना है। OMR शीट दी जाएगी आपको, डार्क करना है, डार्क करने के बाद में सही आंसर को डार्क करना है। क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे रहेगा उसमें दिया गया है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, जैसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आप देख सकते हैं, इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चंस आएंगे आकृति के मिलान करने के, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये सब पैटर्न वाले जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं वो बड़े ईजी होते हैं, बट आपको इसमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चन पेपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप देखते रहिए तो आपको बड़े इजीली आ जाएगा। तो ये सब पैटर्न दिया गया है इसमें। इसके बाद में अंगणित में आर्थमेटिक में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, नंबर्स के बाद में डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, मेजरमेंट्स के, ये सब के आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इंटरेस्ट, ये सब के क्वेश्चन आते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम करके क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आप अपना पैटर्न देख रखें, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। मैंने अलग अलग क्वेश्चन वीडियो अपलोड भी कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो तीसरा पार्ट जो रहेगा लैंग्वेज का पार्ट रहेगा, आपको उसमें पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो इस तरह से इनका पैटर्न है, इसको आप देख सकते हैं। ऑनलाइन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जो आपको ब्रीफ में दिया गया है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट आप याद रखिए 15 सितंबर 2019 है। ये फॉर्मेट दिया गया है जो NIOS के वाले हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है, अदरवाइज तो आपका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है वो ये वाला है जो आपको ये फिलअप करना है और ये अटैच करना है ऑनलाइन में, फ़ोटो वोटो लगानी पड़ेगी। ऑल डिटेल्स आपको अपने नाम, अपने डैड का नाम, मदर का नाम, ये सब अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सब वर्ड्स में भी देनी है, मेल फीमेल जो भी आपको देना है, आपका कैटेगरी अगर आप जो भी कैटेगरी है वो आपको लिखनी है, अगर आप फिजिकल कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो वो मेंशन करना है, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल कंपलसरी देना है। और ये जो स्कूल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है, 3rd, 4th and 5th तीनों क्लासेस की देनी है। कंपलसरी है कि आपका प्रिंसिपल का, स्कूल प्रिंसिपल का जिसमें आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उसका कंपलसरी सिग्नेचर वही स्टाम्प के साथ होना चाहिए। तो ये ऑल अदर डिटेल्स थी, इसके साथ में आप इसको फिलअप कर दीजिए, आप जल्दी से जल्दी करिए। एंड गुड लक फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।